गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल आई होप यू ऑल आर सेफ एंड पाइन एट होम टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर नंबर फाइव सिंगुलर एंड प्लूरल दिस इज़ पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो एंड इट इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी वन सो लेट स्टार्ट इट चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर फाइव एंड द चैप्टर नेम इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन एंड प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल्स मीन्स एक बचन और बहुवचन के बारे में आज हम पढ़ेंगे सो डवाइंट सर्कल द सिंगुलर नाउंस इन ग्रीन एंड प्लूरल नाउंस इन रेड मीन्स सिंगुलर नाउंस को हमें क्या करना है ग्रीन सर्कल करना है मीन्स ग्रीन कलर का गोला बन बनाना है एंड प्लूरल नाउम्स को रेड सर्कल करना है मीन्स रेड कलर से उनको सर्कल बनाना है so first we will read this story okay johnny and billy bushtail were two little squirrels johnny aur billy bushtail kaun the do choti glehriya thi squirrels means hota hai glehriya they lived with their grandparents in a nest on a tall tree means वे अपने grandparents means मीन्स दादा दादी के साथ एक ऊंचे पेड़ पर घोंसले में रहती थी वन डे देंट फॉर अ वॉक विद दियर कजन जीनी एक दिन वो अपने कजन ब्रदर्स मीन्स चचेरे भाई जिनी के साथ टहलने के लिए निकली दे एडमायर द ग्रीन लीव्स ऑफ देअर होम मीन्स उन्होंने अपने घर की हरी पत्तियों के ग्रीन लीव्स की प्रशंसा की मीन्स तारीफ की देन दे स्पॉटेड सम डग स्विमिंग इन द पॉन्ट फिर उन्होंने क्या किया तालाब में कुछ डक्स मींस बत्तख तैरती हुई देखी जॉनी वर्स इरिटेटेड अस फ्लाइज चिढ़ गया इरिटेट हो गया क्योंकि उसकी नाक पर क्या बैठ रही थी फ्लाइज फ्लाइज मींस क्या होता है मक्खियाँ उसकी नाक पर मक्खियां बैठ रही थी इसलिए वो क्या हो गया इरिटेट हो गया एटलीस्ट आर नॉट बक्स दैट बाइट सैड जैनी और जैनी ने कहा कि शुक्र है कम से कम कि ये कीड़े नहीं हैं जो काटते हैं बक्स मीन्स क्या होता है बक्स मीन्स होता है कीड़े सो स्टोरी क्या थी कि जॉनी और बुली बुस्टेल नाम की दो छोटी गलहरियाँ थीं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक नेक्स्ट में लंबे ट्री पर रहती थी एक दिन वो अपनी कज़न ब्रदर्स जैनी के साथ टहलने के लिए निकली घूमने के लिए निकली उन्होंने क्या क्या देखा कि उन्होंने अपने घर की हरी पत्तियों की प्रशंसा की और उन्होंने क्या देखा था कि तालाब में कुछ डक्स मीन्स बतख्स को तैरते हुए देखा और जॉनी चिढ़ गया क्योंकि उसकी नाक पर क्या बैठ रही थी फ्लाइस बैठ रही थी मीन्स मक्खियाँ बैठ रही थी तो जॉनी ने कहा कि शुक्र है कि कम से कम वो कीड़े नहीं जो काटते हैं ओके अब हमें देखना है कि यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल कौन कौन से वर्ड हैं सो हियर जॉनी जॉनी क्या है सिंगुलर पर्सन का है सिंगुलर स्क्यूरल का नेम है Billy भी सिंगुलर स्क्यूरल का नेम है यहाँ पर स्क्यूरल्स स्क्यूरल्स क्या है प्लूरल है तो हम इसे सर्कल करेंगे ओके okay? फिर ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी क्या है प्लूरल है नेक्स्ट क्या है सिंगुलर है फ्री क्या है सिंगुलर है ओके नेक्स्ट लीव्स क्या है प्लूरल है होम क्या है सिंगुलर है पॉन्ड क्या है पॉन्ड सिंगुलर है डक्स प्लूरल है और बग्स क्या है बग्स प्लूरल है फ्लाइज क्या है मक्खियाँ ये भी प्लूरल है सो so, हमने यहाँ पर देखा कि जॉनी बिली स्कील्स ये क्या है जॉनी और बिली क्या है ये दोनों सिंगुलर हैं स्कीरल्स क्या हैं प्लूरल है नेस्ट सिंगुलर है ट्री सिंगुलर है ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल है लीव्स प्लूरल है पॉन्ट पॉन्ट क्या है सिंगुलर है क्योंकि एक ही तालाब है बर्ग्स मीन्स कीड़े तो ये क्या है प्लूरल है एंड डक्स क्या है डक्स मीन्स क्या होता है डक्स मीन्स बहुत सारी डक तो ये भी क्या है प्लूरल है वी हैव लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस इन प्रीवियस चैप्टर सो हमने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउम्स के बारे में पहले से ही पढ़ा हुआ है वी नो दैट अनाउंस डेट स्टैंड फॉर वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग इज द इज़ इन दिंगुलर नंबर

जो संख्या में एक से अधिक पर्सन एनिमल प्लेस एंड थिंक के लिए यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं प्लूरल नंबर कहते हैं या फिर बहुवचन संख्या कहते हैं ओके okay? मींस किसी एक पर्सन प्लेस एनिमल और थिंक के लिए कोई चीज़ यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं सिंगुलर नंबर कहते हैं और एक से अधिक पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग के लिए यूज़ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्लूरल नंबर कहते हैं हेयर यू कैन सी यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने सो अ सिंगुलर नाउन कैन बी चेंज टू अ प्लूरल नाउन बाय एडिंग एन एस फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स एंड बर्गस मीन्स एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज हो सकता है मीन्स एक सिंगुलर नाउन में एस ऐड करके उसे प्लूरल नाउन में हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसे चेंज किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड पेरेंट्स एंड बग्स ग्रैंड पेरेंट मीन्स क्या हुआ सिंगुलर हुआ बट इसमें जब हम एस को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स ये प्लूरल बन जाएगा ऐसे ही बग बग क्या हुआ सिंगल कीड़ा एंड एस एड करने के बाद क्या हो जाता है ये प्लूरल हो जाता है मीन्स बग्स तो मीन्स कीड़े ओके okay? तो किसी भी सिंगुलर नाउन में एस एड करके उसे प्लूरल में चेंज किया जा सकता है ओके okay? नेक्स्ट है नाउन्स एंडिंग इन एस 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 एच सी एच एंड एक्स फ्रॉम दियर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस मीन्स जिन नाउन का एंड एस 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 एच सी एच एंड एक्स से होता है उन्हें एंड में ई एस एड करके उन्हें सिंगुलर से फ्लूरल चेंज किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल बसेस ग्लासेस ब्रशेस वॉचेस एंड बॉक्सेस यहाँ पर बसेस एस से एंड हो रहा है वर्ल्ड कप तो यहाँ पर ई एस एड किया तो क्या हो गया बसेस एंड ग्लासेस में डबल एस से एंड हो रहा है और इसमें ई एस एड किया तो ये क्या बन गया ग्लासेस ब्रश एस एच से एंड हो रहा है लास्ट में बट इसमें ऐड किया ई एस तो ये क्या हो गया ब्रशेस मीन्स काफ़ी सारी ब्रश ऐसे ही वॉच सी एच से एंड हो रहा है और इसमें लास्ट में ई एस एड किया तो ये क्या हो गया वॉचेस मीन्स काफ़ी सारी वॉच मीन्स घड़ियाँ एंड लास्ट है बॉक्सेस जिसमें बॉक्स में लास्ट में क्या है बॉक्स मीन्स होता है डब्बा और बॉक्स में लास्ट में क्या है एस एक्स है और इसमें ई e, एस को ऐड करने के बाद ये क्या हो जाता है बॉक्सेस मींस कई सारे डब्बे सो so, जिन नाउंस के एंड में एस 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 एच सी एच और एक्स होता है उन्हें एंड में ई एस ऐड करके उन्हें सिंगुलर से प्लूलर चेंज किया जाता है ओके okay? नेक्स्ट है नाउंस एंडिंग इन वाई फ्रॉम दियर प्लूल्स बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड टेकिंग आई ई एस ओके okay? जिन नाउंस के एंड में लेटर वाई होता है उन नाउंस में वाई को छोड़कर मीन्स वाई की जगह आई एस लगा कर में चेंज किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाइज पपीज एंड स्टोरीज सो फ्लाई की स्पेलिंग क्या होती है एफ एल वाई बट इसको जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा वाई को रिमूव करना होगा मीन्स हटाना होगा वाई को हटाकर उसकी जगह क्या लगाएंगे हम आई ई एस तो क्या हो जाएगा फ्लाइस मीन्स मक्खियाँ ओके नेक्स्ट है पपी पपीस तो पपी सिंगुलर पपी मीन्स जो डॉगी का बच्चा होता है उसको हम पपी कहते हैं तो सिंगुलर पपी की बात हो रही है ओके तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है पी यू पी पी वाई बट जब अब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम पी यू पी पी वाई को हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे मीन्स उसको हटा देंगे और उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे आई ई एस तो क्या हो जाएगा पपीस मीन्स काफ़ी सारे डॉगी के बच्चे तो ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा ऐसे ही नेक्स्ट है स्टोरीज स्टोरी जब हम सिंगुलर में लिखेंगे स्टोरी को तो कैसे होता है स्पेलिंग एस टी ओ आर वाई जब लेकिन जब हम इसको मीन्स एक कहानी ओके okay? बट जब हम इसको प्लूरल में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे वाई को रिमूव करके हमें आई ए एस लगाना होगा तो ये क्या हो जाएगा स्टोरीज मीन्स कहानियाँ ओके तो मीन्स जिन नाउंस के एंड में वाई आता है वहाँ पर उनको वाई को हटाकर आई एस लगा कर इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है ओके okay? नेक्स्ट है इन सम केसेस वेन नाउंस एंड

एफ़ या एफ ई -E की जगह पर वी ई एस एड करके इसे प्लूरल में चेंज किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स एंड नाइफ्स यहाँ पर क्या हो गया लीव्स हो गया और यहाँ पर नाइफ्स हो गया मीन्स जब सिंगुलर नाउन में एफ़ और एफ ई -E लगा होता है जैसे लीव में क्या है लीफ में एफ़ था ओके बट नाइफ़ में क्या था एफ ई -E था बट जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो लीव का क्या हो जाएगा F को हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर हमें क्या लिखना होगा वी ई एस लीव मीन्स होता है एक पत्ती एंड लीव्स मीन्स हुआ काफ़ी सारी पत्तियाँ तो प्लूरल में चेंज करना है तो हमें F को रिमूव करके वी ई एस एड करना होगा और ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट है इसी तरह नाइफ़ तो यहाँ पर लास्ट में क्या था एफ़ ई मीन्स एफ ई को रिमूव करके उसमें हमने वी ई एस को ऐड किया -E और ये हो गया नाइफ्स मीन्स नाइफ़ मीन्स होता है एक चाकू एंड नाइफ्स मीन्स हुआ कई सारे चाकू तो हम इसे एफ या एफ ई को ड्रॉप करके वहाँ पर वीई एस लगा कर इसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस द रिमेनिंग चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैव अ नाइस डे थैंक यू